सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। मेरठ में रेड लाइट एरिया बंद होने के बाद अब घरों में चल रहे हैं सेक्स रैकेट। मेरठ में लगातार एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम यूनिट देह व्यापार पर शिकंजा कस रही है और घरों में सेक्स रैकेट रुकने का नाम नहीं ले रहा। वहीं आज का ताज़ा मामला मेरठ के थाना गंगानगर क्षेत्र के ओ पॉकेट का है, जहां पुलिस के साथ टीम ने एक किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट पर पुलिस ने छापा मारकर 3 युवतियों सहित 2 पुरुषों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला के साथ 1 साल का बच्चा भी था। सूचना के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सोचने वाली बात यह है कि पुलिस की इतनी शक्ति के बाद भी जगह जगह सेक्स रैकेट का मामला सामने आ रहा है। मेरठ से रेड लाइट एरिया तो बंद हो गया, लेकिन अब घरों को ही अपना अड्डा बना रही है। अब देखने वाली बात यह है कि वही आखिर प्रशासन इस पर कब तक शिकंजा कसेगा और कब हमारा मेरठ इस गंदगी से दूर होगा। हमारे संवाददाता मुकेश ठाकुर मेरठ ने जब उस महिला से बात की तो जिसके पास 1 साल का बच्चा था, तो उस महिला की बात सुनकर हमारे संवाददाता के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिला ने कहा कि उनका पति जितना कमाता है सभी को शराब में उड़ा देता है, इसलिए मैंने अपने बच्चे को पालने के लिए यह कदम उठाया है। ये काम हालात से मजबूर होकर करना पड़ रहा है। मेरठ से मुकेश ठाकुर की रिपोर्ट। सेल सूचना मिली थी कि गंगानगर में नदी व्यापार का धंधा चल रहा है और इसके संबंध में सूचना डेवलप थी और सीओ सदर देहा साहब तो 3 महिलाएं और 2 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। ये काम नॉर्मल दस किया गया है। अच्छा सर, कितनी लड़कियाँ पकड़ी गई है और कितने जेंट्स पकड़े गए? 3 महिलाएं पकड़ी गई हैं, 2 पुरुष पकड़े गए। अच्छा, इन लोगों को संचालित भी पकड़ी गई है? हाँ, ये मेरा संचालिका के रूप में उसी ने मकान को 4 रुपये किराए पर ले रखा था। पहले मेरे जेल जांच के लिए मना नहीं किया।